मैं फिर बता दूं बच्चों, अपनी पूरी प्लानिंग है ऑडिट में 70+ लाने की। देखिए अभी रिसेंटली ऑडिट के पेपर के अंदर बच्चे काफी परेशान हुए थे, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे फोड़ कर आए, जबरदस्त तोड़ फोड़ मचा कर आए, उनको पेपर से कोई मतलब नहीं, तुम कैसा भी पेपर पूछो हम तो फोड़ देंगे, इस तरह की तैयारी, इस तरह का इकोसिस्टम, ठीक है ओके, हम आपको देना चाहते हैं। चलिए फटाफट, तो टेस्ट्यूअल अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट का काम कर रही है, एक्सपोर्ट का काम कर रही है, और वो भी ठीक है टी शर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांड नेम भी, उनके ऑडिटर है सीए तृप्ति, और एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, रेवेन्यू की चेकिंग पे ज्यादा उनका पूरा फोकस है, ठीक है। उन्होंने एक्सपोर्ट सेल्स देखे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और जो भी है सबके इनवॉइसेस से मैच किया कि जो इनवॉइसिंग हुई है एक्सपोर्ट की और जो दिख रहा है वो बराबर है ना। एक्सपोर्ट जब होते हैं आईजीएसटी पे करते हैं और उसका रिफंड क्रेडिट हो जाता है आफ्टर गुड्स आर शिप्ड, आईजीएसटी पे करना पड़ता है, फिर रिफंड भी हो जाता है। इनकी बिल ऑफ लीडिंग आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है बिल ऑफ लीडिंग, कंपनी के लोग गुड्स हैंडल करते हैं ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर के गुड लेकर जाते हैं कस्टम से क्लियर करवाते हैं, क्लियर करवाने के बाद में जो क्लियर करवाने के बाद जो शिप होती है, शिप के अंदर गुड्स, शिप गुड्स पहले चेक करते हैं गुड्स बराबर है ना, शिप में लोड करते और फिर सामने वाला एक प्रूफ देता है कि हाँ ये आपके गुड्स है, ये गुड्स है, उनका डिस्क्रिप्शन है, ये उनकी क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू है, ये गुड्स हमको मिल चुके हैं, ये पर्टिकुलर शिप के अंदर हमने इसको लोड कर दिया है और ये सामने वाले के पोर्ट पे जा रहा है। तो ये बिल ऑफ लीडिंग इज इशूड बाय द कैरियर, कैरियर इशू करता है, इट इज अ प्रूफ दैट गुड्स आर शिप्ड, शिप हो चुके हैं, गुड्स शिप हो चुके हैं, और ये डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हम आगे भेजते हैं, जो रिसीवर है, रिसीवर ये डॉक्यूमेंट दिखाकर गुड्स की डिलीवरी लेता है, तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और बिल ऑफ लेडिंग के बेसिस पे एक्सपोर्टर को अपना रेवेन्यू भी मिलता है, उसको अपना पैसा भी मिलता है। तो इनकी ये पॉलिसी है कि बिल ऑफ लेडिंग जब बन जाए, मतलब कैरियर को जब गुड्स दे दे पूरी तरीके से, तब हम लोग रेवेन्यू बुक करेंगे। अब इसके अंदर एक ऐसा चैलेंज आया है, इसके अंदर एक ऐसा चैलेंज आया है कि मार्च के महीने में गुड्स फैक्ट्री से डिस्पैच हो गए, फैक्ट्री से डिस्पैच हो गए, लेकिन उनका बिल ऑफ लेडिंग अप्रैल में बना है, 75 लाख के ऐसे गुड्स है। सो कंपनी के प्रीमाइसेस से निकले मार्च में, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग बना अप्रैल में, तो रेवेन्यू बुक हुआ अप्रैल में, ठीक है। सोर्सेस फॉर रेबल और एविडेंस एंड चैलेंजिंग मैनेजमेंट असर्शन ऑन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज कंप्लीटनेस, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं अगर मुझे एक्सपोर्ट को चेक करना है तो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, और मैनेजमेंट जिस तरह की अकाउंटिंग कर रहा है क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो मैं आपको बता दूं फिर से, ये एक नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है, न्यू क्वेश्चन, और मैं ये डायरेक्टली किसी मतलब सीधा स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का नॉलेज इसमें नहीं लगता, ऑडिट एविडेंस करके था तो एविडेंस के ऊपर इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया हुआ है, ऑडिट एविडेंस था तो ऑडिट एविडेंस के ऊपर, ठीक है, ऑडिट एविडेंस के ऊपर इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है। तो बोले अगर आपको एक्सपोर्ट्स वेरीफाई करने हैं तो बहुत आसान है, आजकल जब भी गुड्स फैक्ट्री से निकलते हैं तो उसके मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनते हैं, गुड्स का मूवमेंट आसानी से हो, कोई भी अगर गाड़ी को रोके तो उसको हम बता सके ये गुड्स कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, कहां जा रहे हैं, किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर का टैक्स पेड है नहीं है, एवरीथिंग, ये सारे डिटेल्स आपको ई वे बिल पे, आई एम नॉट अ जीएसटी एक्सपर्ट, बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं। तो ई वे बिल, आप जितने भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस दीजिए और ई वे बिल जितने भी है वो लीजिए और उसको मैच, आइडियली बोथ शुड मैच विद ईच अदर, तो जितने भी एक्सपोर्ट्स है वो ई वे बिल से मैच होने चाहिए, एक्सपोर्ट जितने दिख रहे हैं और ई वे बिल बोथ शुड मैच विद ईच अदर। जीएसटी रिटर्न में भी हम लोग पूरे डिटेल्स, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न में भी पूरा आता होगा, ठीक है, उससे भी मैच करिए। तो एक्सपोर्ट का डेटा और ई वे बिल का डेटा शुड मैच विद ईच अदर, ई वे बिल बनता है, फिर आपने मंथ एंड में रिटर्न्स बनाए होंगे, देखो एक सीक्वेंस में होगी, जब आपने डिस्पैच किया तब आपने ई वे बिल बनाया होगा वो मैच कर लो एक्सपोर्ट के डेटा से, मंथ एंड पे रिटर्न्स बनाए होंगे वो मैच कर लो एक्सपोर्ट के डेटा से, आपको आईजीएसटी का रिफंड मिला होगा, जितने भी रिफंड मिले कौन से एक्सपोर्ट के मिले, अगर हमको
50 रिफंड मिले हैं तो बराबर 50 एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन दिखने चाहिए। तो पहले ईवे बिल मिलता है उससे मैच किया, जीएसटी बिल मिलता है उससे मैच किया, आईएससी रिफंड मिला उससे मैच किया। सो ऑल शुड मैच विथ ईच अदर, ऑल शुड मैच विथ ईच अदर, ठीक है। ये बेस्ट तरीके है आपके जो एक्सपोर्ट्स है, आपके जो एक्सपोर्ट्स है उसको चेक करने का, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट है इशूड बाय कैरियर टू शिपर ऑफ द गुड्स दैट गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, शी शुड चैलेंज एंड काउंटर मैनेजमेंट असर्शन अबाउट ग्राउंड्स। देखो उसने बोला कि बिल ऑफ लेडिंग बस एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि गुड्स हम कैरियर को दे चुके हैं, बस उसी के बेसिस पे सेल बुक कर लेना एक सही तरीका नहीं है। एक्चुअली एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारी जिम्मेदारी है सामने वाले के पोर्ट तक पहुंचा कर देना, तो सेल तो बुक होना चाहिए जब सामने वाले के पोर्ट पे पहुंचेगा तब। अगर हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ शिपिंग करवाना तो शिपिंग के टाइम पे सेल बुक होना चाहिए। अगर हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ फैक्ट्री में गुड्स अवेलेबल करवाना, आगे का काम सामने वाले लोग करते हैं, फिर तो जिस दिन फैक्ट्री से डिस्पैच होगा उसी दिन सेल बुक होना चाहिए। हमको कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ फैक्ट्री पे गुड्स रेडी करने की है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर को देने की है, कि कंपनी की जिम्मेदारी शिप तक पहुंचाने की है, कि कंपनी की जिम्मेदारी सामने वाले का जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां तक की है। जिम्मेदारी जैसी है टाइम ऑफ रिकॉग्निशन विल चेंज। सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग के बेसिस पे बुक करना एकदम सही नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी एनालाइज्ड एंड सीन, टर्म्स एंड कंडीशन उसके बेसिस पे होना चाहिए। सो वी शुड चैलेंज द बेसिस दैट दिस मे बी रॉन्ग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस, ठीक है। हो सकता है रेवेन्यू नीड टू बी बुक्ड व्हेन गुड्स आर डिस्पैच, गुड्स लीव द प्रीमाइसेस, ठीक है, गुड्स लीव्स, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरी है, ऐसा भी हो सकता है, कैन बी, ठीक है। एंड स्पेशली ये जो तीन कुछ ट्रांजैक्शन है जहां पे डिस्पैच हो गया था मार्च में और बिल ऑफ लेडिंग बना अप्रैल में, उनको तो ध्यान से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखने चाहिए। हो सकता है वो इस साल के हो, गलती से अगले साल में चले गए। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट करंट ईयर सेल्स इज इनकम्प्लीट। कंक्लूजन, यूज डिजिटल एंड अदर एविडेंस, चैलेंज द कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड हाईलाइट पोटेंशियल अंडरस्टेटमेंट। सो वेरी, मैं बोलूंगा कि जिसने एक बार देखा हुआ ये वो उसको कर पाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ दो पार्ट में बटा हुआ है, दो डिस्कशन से डॉक्यूमेंट्स, पहले बनता ईवे बिल, फिर बनते रिटर्न्स, फिर बनता आईजीएसटी रिफंड, वो देख लो। पर प्यारा, बहुत प्यारा मैंने फ्लो बना के रखा है, बहुत प्यारा फ्लो बना के रखा मैंने। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बात करो कि सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग सही नहीं होगा, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है कि डिस्पैच पे बुक करना पड़े। उस पर मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, फ्री ऑन बोर्ड, और सपोज टर्म्स में लिखा है फ्री ऑन बोर्ड कि बॉस फ्री ऑन बोर्ड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बस आप रेडी करके रख लो, बोर्डिंग के लिए रेडी करके रख दो, बाकी हम कर लेंगे। तो फिर हमने फैक्ट्री में रेडी करके रख लिया, आएगा काम आपको करना था, जैसे ही वो फैक्ट्री से ले गए सेल बुक कर लेना है। फ्री ऑन बोर्ड ऑन शिपिंग, जब शिपिंग हो जाएगी सेल बुक कर लेना है। लेकिन CIF है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF है मतलब हमारी जिम्मेदारी वहां तक पहुंचाने की है, तो फिर वहां पे जब पहुंचेगा तब सेल बुक होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, यू टॉक अबाउट वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे हो सकता है, और फिर यहां पे आप बोले कि भाई हो सकता है कि इस साल के गलतियां से अगले साल चले गए, कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है, अंडरस्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट है सीए प्रभजोत, ऑडिट एक्टिविटी प्रभजोत है, ऑडिट एक्टिविटी ऑब्जर्विंग फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री कंपनीज प्लांट, और वो फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑब्जर्व करना चाहता है, लेकिन रिमोट एरिया उत्तराखंड का है, ईयर एंड का टाइम है, प्लान्स टू रीच, वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ऑब्जर्व करना चाहता है, 29 मार्च को पहुंचना चाहता है, इंस्पेक्ट करना था इन्वेंट्री, ऑब्जर्व काउंटिंग प्रोसेस, परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, मैनेजमेंट की तैयारी है पूरे ऑडिट के लिए। लेकिन तभी 28 मार्च को एजिटेशन इन हिमालयन हिल्स, तो बेसिकली पूरी तैयारी है, 29 मार्च को जाऊंगा पहुंचूंगा, 30-31 ठीक है ईयर एंडिंग 30 को पूरी तैयारी देखूंगा, 31 को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो मैं अटेंड करूंगा, 1-2 तारीख को वापस आ जाऊंगा। 28 मार्च को एजिटेशन चल रहा है, हाईवे ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, एक महीने के लिए पूरा बंद हो चुका है, मतलब एक महीने तक वहां जाना पॉसिबल नहीं है। क्या ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी मैं बोलूंगा, क्या मैं बोलूंगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल है,
और ऑडिटर ने क्या करना चाहिए ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगेन आई विल से इंस्टीट्यूट, गुड वर्क डन इंस्टीट्यूट यार, क्वेश्चन बड़े प्यारे बना रहा है। इससे मेरे को खुशी होती कि इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इससे मुझे खुशी होती कि इससे आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और कभी कभी डर लगता है कि भाई बहुत ज्यादा एनालिटिक, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल ये बोलता है कि मॉड्यूल और इसकी चीजों के ऊपर ही आप मैक्सिमम चीजें डिपेंडेंट होगी तो आप इसको क्रैक करेंगे। तो आप ऐसे 501 का पूरा रेफरेंस दीजिए, आप काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल का जो पूरा अपना डिस्कशन है वो पूरा बताइए। हम पूरा डिस्कस करके आए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग। अगर काउंटिंग इम्प्रैक्टिकल है पहले रीजंस पे डिस्कशन करो, नेचर ऑफ इन्वेंटरी, नेचर ऑफ इन्वेंटरी कैसा है, लोकेशन कैसा है, अगर थ्रेट्स टू सेफ्टी है तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, जनरल इनकन्वीनियंस है तो उसको हम इम्प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं बोलते हैं, डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट का है तो हमने देखा जी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस अवेलेबल है क्या, और अगर इम्प्रैक्टिकल है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है, क्या होती है ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, और अगर उसे सबूत ना मिले तो हमको मॉडिफाई करना पड़ता है ओपिनियन। तो पहले आप पूरा काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल का डिस्कशन करिए, फिर आप केस का डिस्कशन करिए, ठीक है, फिर सिचुएशन डज नॉट इंडिकेट इन्होंने, देखो ये मैटर ऑफ जजमेंट है गाइस, ये मैटर ऑफ जजमेंट है कि भाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हो सकता है कोई यहां पर बोले कि यार पॉसिबल ही नहीं है, हमको तो रिपोर्ट देनी है 15 दिन के अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई हो सकता है इसको ऐसा बोले दैट इट इज प्रैक्टिकल, वेरी मच पॉसिबल, कोई इसको ऐसा बोले कि इट इज इम्प्रैक्टिकल। इंस्टीट्यूट ने बोला डज नॉट इंडिकेट इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ अटेंडेंस, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या कोई थ्रेट्स टू सेफ्टी है, नहीं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑडिटर्स इनएबिलिटी ड्यू टू अनफोर्स एजिटेशन की वजह से है, प्लान सेट इज इनएक्सेसिबल फॉर मंथ, इफ ऑडिटर कांट अटेंड ड्यू टू अनफोर्सेस एंड दे शुड काउंट ऑन अल्टरनेटिव डेट एंड ऑडिट अल्टरनेटिव एंड ऑडिट इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शंस, और बीच में जो ट्रांजेक्शन है, सपोज एक महीने बाद तुम फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करो और एक महीने के बीच में के ट्रांजेक्शन यूज करके रिकंसिलेशन बनाओ, जो ऑल्टरनेटिव अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आफ्टर ब्लॉकेड। तो यार ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूं यार ये क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए, ये क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए तो क्लिक हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि बॉस दे हैव लॉट ऑफ टाइम, अभी नहीं कर पा रहे तो एक महीने बाद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल्टरनेटिव डेट पे पॉसिबल है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, कर सकते हैं, वही पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, लेकिन हमको बीच में का रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है, वो जो रिकंसिलेशन है उसको परपेचुअल रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे, हमने डिस्कस करके आया, ठीक है, परपेचुअल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उससे हम लोग डिस्कस करके आए, परपेचुअल रिकॉर्ड्स चेक कर लो बराबर है ना, अगर नहीं है तो उसको एडजस्ट कर लो और फिर उसके बेस पे रिकंसिलेशन बनाओ और आपको 31 मार्च का स्टॉक मिल जाएगा। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे मजा इसलिए आया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना जजमेंट ऐसा लिया, अल्टरनेट जजमेंट भी हो सकता था, इट वॉज वेरी मच पॉसिबल कि बॉस हमको तो रिपोर्ट देनी है 15 दिन के अंदर, एक महीने के लिए रुक नहीं सकते, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू अल्टरनेटिव प्रोसीजर, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, ज्यादा होशियारी नहीं बनाने का। देखो इट इज मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज ऑडिट इज मिक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिटेंशन भी है बॉस, याद भी रखना पड़ता है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। फिर यहां पे एक कंपनी है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट में लीगल फीस पेड है 10 लाख, मिस्टर बी जॉर्ज को पे किया है, नो स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई क्यों पे किया, एक बंदे को पे किया, क्यों पे किया, क्या पे किया, कुछ भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। हमारी ऑडिटर बोलती है मैं डायरेक्ट बात करना चाहती हूं लॉयर से, उसने उसका एड्रेस और मेल आईडी लिया, ठीक है, उसने सीधा देखा कि बिल के ऊपर उसका एड्रेस था, मेल आईडी था, और एक इंक्वायरी लेटर शूट ऑफ कर दिया कि भाई ये लिटिगेशन क्यों तुमको पेमेंट किया गया, खुद के लेटर पे क्यों तुमको पेमेंट किया गया, बताओ कौन सा केस है, कितना बार लिटिगेशन है, उसका नेचर बताओ, कंपनी पे कितनी पेनल्टी आ सकती वो बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या उसने सही किया। पहली बार पढ़ने के बाद हो सकता है बच्चा इसको गलत कर ले, पहली बार करने के बाद हो सकता है कि बच्चा इसको गलत कर ले, ठीक है। नाउ वापस ऐसे 501 का आपको रेफरेंस देना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं लिटिगेशंस और क्लेम्स का पार्ट टू हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आपको पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, स्टेप नंबर 1 के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पहले इंक्वायरी करनी पड़ती है, फिर मिनट्स देखने पड़ते हैं, करस्पॉन्डेंस और लीगल एक्सपेंस देखना पड़ता है। फिर हमने उसमें डिस्कस किया अगर रिस्क हो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए जाना चाहिए, आप ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है वो एक्सप्लेन करिए यहां पे, वही लीजिए एक्सप्लेन
पॉइंट रिलेटेड टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसको ही एक्सप्लेन करिए, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर रिस्क मिलती है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए जा सकते हो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है इसमें रिस्क है, मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए। लेटर विल बी डिजाइंड बाय अस बट इट विल बी प्रिपेयर बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसको प्रिंट करेगा अपने लेटर हेड पे, मैनेजमेंट और लॉयर का रिलेशन है। इट विल बी डिजाइंड बाय अस, प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट, सेंड बाय अस एंड रिप्लाई विल बी रिसीव्ड बाय अस। यहां पे बंदी ने गलती कर दी, यहां पे बंदी ने गलती कर दी, मैनेजमेंट को बिना इन्फॉर्म किए, बिना उनके अप्रूवल लिए खुद के लेटर हेड पे लेटर बनाकर ड्राफ्ट कर दिया, भेज दिया, खुद कॉन्टेक्ट कर लिया, यहां पर गलती हो गई। रिस्क जब बढ़ती है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल सही। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना चाहिए, बिल्कुल सही। सारे सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल सही। सब बराबर कर रही है बंदी, सब बराबर कर रही है बंदी। बंदी की गलती एक जगह पे होगी, बंदी की गलती एक जगह पर हो गई, गलती ये जगह पर हो गई भाई साहब कि उसने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, मैनेजमेंट को लूप में रखा। ये गलत बात है, मीटिंग करते वक्त भी मैनेजमेंट का बंदा साथ में रहता है। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत प्यारे पॉइंट पे खेला है, मेरे को तो क्वेश्चन देख देख के बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं इधर से छपना है भाई, जो नेक्स्ट एग्जाम अभी आने वाली है उसमें भी छपना है यहां से। इज इनकरेक्ट, तरीका इनकरेक्ट है। शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट अबाउट हर इंटेंशन टू कम्युनिकेट विद लॉयर, प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट, सेंड बाय हर, और उसमें पूछना चाहिए था आइडेंटिफाई पोटेंशियल लिटिगेशन क्लेम्स के बारे में। हर पर्पस इज टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन और क्लेम जिसके लिए पेमेंट किया गया है, ठीक है, दैट द एंटिटी हैव, और उसका क्या इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो इफेक्ट लिया है क्या, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर हुआ है। उसका इंटेंशन सिंपल है, पेमेंट क्यों किया गया, कौन से लिटिगेशन के लिए किया, क्या क्या रीजन है, उसमें कितना बड़ा केस इन्वॉल्व है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका कितना प्रोविजन बनना चाहिए, उसकी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर सब बराबर हुआ है ना, ये उसका इंटेंशन है। लवली केस, बहुत मजा आया, सब सही था, अंदर खेला है उन्हें, सिर्फ उस पॉइंट पे खेला है, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भाई। इसलिए ऐसे दिल से वाह निकलता है कभी कभी इंस्टीट्यूट के लिए, अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट करो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई बहुत मजा आया। कभी कभी दिमाग खराब होता है जब वो बोलते हैं कि भाई पिछले बार जब वो बोल रहे थे यार सिनेमा हॉल के टिकट की चेकिंग, अरे यार इंटर इनके अंदर से निकला नहीं अभी तक, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन दिस वेरी इंटरेस्टिंग, कंपनी है, उनकी ऑडिटर है, सब्सटेंशियल इन्वेंटरी, कुछ लाइट पोल्स, मस्ट लाइट पोल्स, लाइट पोल्स जो रहते हैं, लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, एक सुपर इंडस्ट्रीज के पास है, हमने हमारा स्टॉक उनको भेजा है प्रोसेसिंग के लिए, ऑडिट हम कंफर्मेशन लेने का सोच रहे हैं उनसे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के लिए। सो इट इज इन्वेंटरी विद थर्ड पार्टी, इन्वेंटरी विद थर्ड पार्टी, उनसे कंफर्मेशन लेने का सोच रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल केस अगेन। लेकिन जो सामने वाली कंपनी है सुपर इंडस्ट्रीज, वहां पे रेड हो गई है, ठीक है, डीजीजीआई ऑफिशियल्स जो भी है किया कि भाई वो लोग फेक बिलिंग करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जो भी होगा, रेड हो गई है। प्रोप्राइटर अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड ऑन बेल, पूरे लोकल पेपर में वो आ चुका है, उनका सामने वाले का थर्ड पार्टी का नाम खराब हो गया, क्या करना। ब्यूटीफुल केस, लवली, मजा आ गया केस के अंदर, ठीक है, मजा आ गया केस के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस देख के तो मेरे को ऐसा, ठीक है कि ठीक है, अपन आगे की प्लानिंग है, आप लोग सपोर्ट करिएगा, बताइएगा, ठीक है, अपने बच्चों के लिए तो अपन सब करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि सीधा बहुत प्यारे 400 क्वेश्चंस होने चाहिए और 400 क्वेश्चन का एक कोर्स बनना चाहिए, 400 क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे 400 क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कोर्स बनना चाहिए, है ना। लेकिन इट्स वेरी, पहले तो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस लेना, बड़े प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट, वो खुद के क्वेश्चंस डालना क्या, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, और फिर कॉन्सेप्ट बेस से क्लियर नहीं है, बच्चों कैसे करवाना होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है वो एक बार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किए हुए होने चाहिए। एसए 501 है, आप कॉन्सेप्ट हम पढ़कर है कि अगर इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास है तो क्या करें। इन्वेंटरी अगर थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के पास है, सबसे आसान एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उससे थोड़ा मुश्किल है अदर ऑडिट प्रोसीजर, सबसे ज्यादा मुश्किल है इंस्पेक्ट करना, हम पढ़कर आइए। अदर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे आसान है डॉक्यूमेंट्स देख लो, ठीक है, और अगर आपने एज अ कोलेटरल दिए गुड्स और उसकी कस्टडी किसी पब्लिक वेयर हाउस के पास है, वहां से कंफर्मेशन ले लो।
थर्ड पार्टी के ऑडिटर से आप रिपोर्ट ले लो, वो भी हो सकता है, किसी को भेज दो आपके बिहाफ में, आप चले जाओ जब काउंटिंग हो रही है, या फिर आखिरी है खुद जाकर इंस्पेक्ट करो, काउंटिंग वाउंटिंग की डेट गई बाजू में, खुद जाकर इंस्पेक्ट करो। ऐसे 501 एक और बात बोलता है, देखो ये 501 कि जब हमको सिलेक्शन करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे जाओ कि अदर ऑडिट प्रोसीजर पे जाओ कि इंस्पेक्शन पे जाओ, उसमें अगर आपको डाउट है अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी, अगर आपको थर्ड पार्टी के ऑनेस्टी पे, उसके ऑब्जेक्टिविटी पे, न्यूट्रलिटी पे, अनबायसनेस पे अगर डाउट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू कंफर्मेशन, अगर आपको थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है, तो हम ऐसा बोलेंगे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बदले या उसके साथ साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। अगर थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी पे, ऑब्जेक्टिविटी पे और एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है, एग्जैक्टली टू द पॉइंट ये चीज हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पैराग्राफ समझाएंगे, फिर आप बोलेंगे केस को डिस्कस करेंगे, किकिंग इन व्यू अबाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन बिसाइड्स, भाई तुम कंफर्मेशन तो लो, उसके साथ साथ में मैं अटेंड थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग, आस्क फॉर सम ऑडिटर टू अटेंड फिजिकल काउंटिंग और रिपोर्टिंग डेट डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिकल, आप अदर ऑडिट प्रोसेस की बात करने लग गए लोग कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख, ठीक है, किसी और को भेज, तू अटेंड कर, इंस्पेक्ट कर, ठीक है, ही कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट, खुद भी इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ गुड सेंट एंड रिसीव बैक डॉक्यूमेंट्स, ट्रेसिंग चलांस, ईवे बिल्स एंड कोरिलेट विद अबाउट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। ये लोग बोल रहे हैं कि इस प्यारी सिचुएशन में सामने वाले से भरोसा कम हो गया, क्योंकि सामने वाले से भरोसा हमारा कम हो गया है, तो बेटा तू सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के भरोसे मत रहे, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा, लवली केस, बहुत प्यारा, और अदर ऑडिट प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का एप्लीकेशन लेकर आ गए थे, एकदम प्यारा सा एप्लीकेशन, वहां पे तीन ऑप्शन थे, आपको थोड़ा याद आना चाहिए, याद नहीं आया तो आपने वो लेक्चर सुनना चाहिए, कि तीन ऑप्शन थे और बराबर बोल रहे कि यार ये काम आप ज्यादा करो, लवली। तो मेरा तो एकदम गट फीलिंग बोलता है भाई ये इधर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर नॉलेज, इलस्ट्रेशन, दे आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर्स, ठीक है। फिर ग्रूम लिमिटेड है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है 30 क्रिएटर्स को, ये भी प्यारा केस है, इसने भी दिल जीता मेरा, ठीक है, 30 क्रिएटर्स को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजिए उनके, ठीक है, ऑल छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से, सीएफओ बहुत कोऑपरेटिव है, विद इन अ वीक रिस्पॉन्सेस वे रिसीव्ड फ्रॉम क्रिएटर्स, वाओ। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहते हैं, 30 लोगों को हमने सिलेक्ट किया, उनको भेजा, एक हफ्ते में वो कंफर्मेशन मिल गया। बाद में लेकिन ऑडिटर ने देखा कि आउट ऑफ 30 क्रिएटर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ 25 इज कैंसल्ड, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिंक टू देयर पैंस, जीएसटी जिस जिनसे हमको कंफर्मेशन आया उन लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। नाउ दिस इज क्वाइट अनयूजुअल थिंग विच इज हैपनिंग, लवली केस। तो हमको हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए भेजा भी और एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमको मिल भी गए हमको, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलने के बाद ये एक नई चीज आ गई। नाउ दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन, हमारे मन में डाउट क्रिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप ऐसे 505 आप वो कॉन्सेप्ट समझाओ, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस हमने डिस्कस करके आए कि कभी कभी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं हमारे मन में डाउट पैदा करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लेकर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके, फर्दर एविडेंस लेकर हमने रिजोल्व करना चाहिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबल है क्या। अगर हमको लगता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है, ठीक है, हमने रिस्क को बढ़ाना चाहिए, रिस्क ऑफ फ्रॉड को बढ़ाना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर, हम जैसा डिस्कस करके आए थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और टेक्स्ट डाला है, ऐसे 500 लिखा है, ऐसे 505 के अंदर ऐसे 500 का रेफरेंस है एक्चुअल स्टैंडर्ड के अंदर। अगर हम बात करते हैं ऐसे 500 इंडिकेट्स दैट इवन व्हेन ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेस एक्सटर्नल टू द एंटिटी सरकम में एग्जिस्ट दैट अफेक्ट्स रिलायबिलिटी, ऐसे 500 भी ये बात करता है। कभी कभी हमको एविडेंस बाहर से मिलता है,
फ्रॉम सोर्सेस एक्सटर्नल टू द एंटिटी, फिर भी ऐसा हो सकता है कि देर कैन बी थिंग्स विच अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी. ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करें. ऑल रिस्पॉन्सेस कैरी सम रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन अल्टरेशन. जितने भी आपको थर्ड पार्टी रिप्लाई हो सकता है उसको बीच में किसी ने इंटरसेप्ट किया हो, चेंज किया हो, ऑल्टर किया हो, फ्रॉड किया हो, ठीक है. सच रिस्क इज रिगार्डलेस, फिर वो पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सब में हो सकता है, जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर सकते हैं. अगर ऑल्टर को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी. सुनो, पहले आप बताएंगे पूरा डाउट के बारे में, फिर आप बताएंगे कि ऐसे फाइनली बोलता है कि बाहर से जितने सबूत मिलते हैं वो सारे बहुत रिलायबल जरूरी नहीं, वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि उस पर डाउट हो, खास करके अजीबोगरीब लोग ऐसे लोकेशन से आ रहा जहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे पार्टी से आ रहा, ये मैंने बोला था ऑलरेडी वहां पे, तब ऐसे लोकेशन से आ रहा जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसे पार्टी से आ रहा जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, और डायरेक्टली हमको नहीं मिल रहा, तो डाउट आता है. यहां पर डाउट है, यहां पर डाउट है हमको. कीपिंग इन विद द सर्कमस्टांसेस देयर इज अ रिस्क दैट रिस्पॉन्सेस हैज नॉट कम ओरिजिनल इंटेंडेड कंफर्म पार्टी. हमको डाउट है ये रिस्पॉन्सेस पे, हमको लग रहा है कि ये वी हैव डाउट, ये लोग हमको डाउट है कि ये रिलायबल नहीं है. दीज रिस्पॉन्सेस आर नॉट रिलायबल, ये हमारे मन में डाउट है. अनरिलायबल रिस्पॉन्सेस, ये फ्रॉड रिस्क हो सकती है, ठीक है. हमको ये गड़बड़ लग रही, दाल में कुछ काला लग रहा है, ये पूरी पार्टीज, ये पूरा सब नकली लग रहा है. मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पार्टीज नकली है और कंपनी ने ही ये कंफर्मेशन भेजी. हमारे मन में डाउट है ये पार्टी नकली है, ये पार्टी ने कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं दिया, कंपनी के लोगों ने रिस्पांस दिया. अनरिलायबल रिस्पॉन्सेस है, वी थिंक दिस रिस्पॉन्सेज आर अनरिलायबल, ठीक है. हमने फर्दर एविडेंस मिला है अनरिलायबल है. हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ाना चाहिए, फ्रॉड रिस्क को इंक्लूड करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. हमने इसको और अच्छे से चेक करना चाहिए, पूरा मामला, पूरे क्रेडिटर, पूरे परचेसेस, उसके रिलेटेड चीजों को बहुत इनडेप्थ जाके चेक करना चाहिए. लवली गाइस, सुपर मजेदार है, एकदम बहुत ही मजेदार, एकदम मजा आ गया ये केस देखकर. नाउ मिस्टर हुसैन है, अपॉइंटमेंट हुआ है उनका. अनऑडिटेड अकाउंट्स है पिछले साल के, मटेरियल इन्वेंट्री इफेक्टेड. ओके, सो बेसिकली पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है. पिछले साल की जो इन्वेंट्री, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री बहुत मटेरियल है, बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, बहुत हाई वैल्यू इन्वेंट्री है. इस साल उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड किया, लेकिन उनके मन में डाउट है रिगार्डिंग ओपनिंग इन्वेंट्री. उनको थोड़ा डाउट लग रहा है क्या करना चाहिए. हम ऐसे 510 पढ़कर आए, उसके अंदर हम पढ़ के आए कि ओपनिंग एविडेंस कैसे लेना, उसमें हम डिस्कस करके आए. लास्ट ईयर से एविडेंस मिलता है, करंट ईयर से एविडेंस मिलता है, मिसस्टेटमेंट लगे तो क्या करें. तो यहां पे आपको करंट ईयर से एविडेंस मिलता है, ऐसे 510 का ऑब्जेक्टिव दो चीज चेक करना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है और कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, दो चीज चेक करना. करंट ईयर से एविडेंस, करंट ईयर ऑडिट, हम लोग करंट ईयर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते देखते उससे एविडेंस मिल रहा है क्या. हम लोग देखते कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेस लगाने की जरूरत है, जैसे रिकंसिलिएशन और पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, सो ऑन, कुछ करने की जरूरत है क्या. यहां पर एग्जैक्टली हो रहा है, यहां पर जितनी हम करंट ईयर की चेकिंग कर रहे हैं उसमें हमको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा ओपनिंग इन्वेंट्री का, जो कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री है. We are not getting sufficient appropriate audit evidence, क्योंकि ऑडिटर बोल रहा है मेरे मन में अभी भी डाउट है, डाउट रिजोल्व नहीं हुआ, मेरे मन में अश्योरेंस नहीं है. तो करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर ऑन क्लोजिंग इन केस ऑफ इन्वेंट्रीज, हाउएवर द करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड लिटिल, करंट ईयर की प्रोसीजर आपको लिटिल ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, कोई भरोसा उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है. Therefore, additional audit procedures may be necessary, and one or more of the following can be done. कर सकते हैं, रिकनसाइल करो इसको, एक रिकनसेशन बनाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग, वो देखो, ठीक है. ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट देखो, कॉस्ट क्या था, वैल्यूएशन कैसे किया, वो देखो. परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ, आप ये चेक करो कि इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट पिछले सालों से और कंपनी के पॉलिसी से मैच हो रहा है ना. आप ये भी चेक करो कि ओपनिंग इन्वेंटरी बराबर सेल हुई है ना, तो आप रिकंसिलेशन बनवा सकते हैं, आप वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोप्रिएट ना वो चेक कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी का सब्सिक्वेंट सेल हुआ ना वो चेक कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको बताना था 510 एप्लीकेबल है, आप करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, मिसस्टेटमेंट लगता है तो और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, यहां पर सबूत की कमी है तो हमको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. इस बार की इन्वेंटरी फिजिकल वेरिफिकेशन चेक आपने देख लिया, रिकंसिलेशन बनाना, पिछले साल के वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स उठाना,
ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, अगर ग्रॉस प्रॉफिट बराबर तो ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर होगी, इसका हमको थोड़ा अश्योरेंस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। कट ऑफ चेक करो कि भाई, चेक करो कि आपके इस साल ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों इतनी ऊपर दिख रही, कहीं इस साल के परचेस अगले से पिछले कट ऑफ में दिक्कत तो नहीं गई थी। और ये भी चेक करो कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री का सेल, बेसिकली ओपनिंग के ट्रांजेक्शन अच्छे से, ओपनिंग के आसपास के ट्रांजेक्शन चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है वहां पे। लवली, इसमें मेरे को बहुत मजा है। ऑल दीज केसेस आर न्यू, ये नए केसेस डाल रहे हैं के डाल रहे इंस्टीट्यूट, ठीक है। नाउ सैंपल्स फॉर टेस्ट ऑफ, सैंपल्स है फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सेस कंट्रोल्स। अब ये लोग, ये भी अच्छा लगा मेरे को, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्होंने देखा कि जो कंट्रोल्स है इनके, इन्होंने सैंपलिंग की, इन्होंने सैंपलिंग की और सैंपलिंग से कंक्लूजन ड्रॉ किया, लेकिन उनका कंट्रोल गलत निकला। एक्सेस कंट्रोल आर लेस इफेक्टिव। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अमाउंट ऑफ 5 crores आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। ये बोल रहे कि जो हमने सैंपलिंग करके हमने कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे हमको ऐसा लगा, लेकिन कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। हम सैंपलिंग करके ऐसा लगा कंट्रोल्स आर वेरी इफेक्टिव, रिलायबल, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं निकले कंट्रोल्स। हमको ऐसा लगा कि वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बराबर है, लेकिन 5 crore की गलती मिली वहां पे। मतलब बेसिकली सैंपलिंग से हमको सब अच्छा अच्छा लग रहा है, सैंपलिंग से हमको सब अच्छा अच्छा लग रहा है, ये भी सही है वो भी सही, लेकिन एक्चुअल में गलतियां मिल रही है हमको, एक्चुअल में गलतियां मिल रही है। तो ऐसे 530 बताना था, और सैंपलिंग, सैंपलिंग रिस्क के कॉन्सेप्ट को, कि सैंपलिंग रिस्क मतलब चांसेस दैट सैंपलिंग में कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, उसको आपको समझाना था। टाइप 1 एरर मतलब सब अच्छा अच्छा लगता है लेकिन चीजें गलत होती है, टाइप 2 एरर मतलब सब गलत गलत लगता है लेकिन चीजें अच्छी होती है, टाइप 1 सब अच्छा अच्छा लगता है, आपके हाथ से गलतियां छूट जाएंगी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे असर पड़ेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट पे असर पड़ेगा, ऑडिट के ओपिनियन पे असर पड़ेगा, इट्स अ डेंजरस रिस्क। टाइप 2 सब गलत गलत लगा लेकिन सब अच्छा है, बस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने एग्जैक्टली अपोजिट बोला यहां पे, एग्जैक्टली अपोजिट बोला, ठीक है, और हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखा हुआ है। ओके, नाउ वो ये बोलना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि, और देखिए हम प्रोसेस करके सिंप्लीफाई करके देते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आपके पास में मॉड्यूल है, मॉड्यूल के ऊपर सामने भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके ओके, मैंने एग्जैक्टली अपोजिट बोला, वो ये बोल रहा है कि हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है और ये एरर है, कंट्रोल्स अच्छे नहीं है ये एरर है, मतलब एरर के वजह से हमको कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव लग रहे हैं, एरर के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 crore की गलती है, बिकॉज ऑफ एरर आई एम थिंकिंग दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, बिकॉज ऑफ एरर आई एम थिंकिंग कि 5 crore की गलती है, लेकिन ये एरर की वजह से लग रहा है। जब मैं एक्चुअल चेकिंग करके मैंने जाकर देखी तो कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे, जब एक्चुअल चेकिंग करके देखी तो इतनी गलतियां ही नहीं थी। तो देखो बेसिकली सैम्पलिंग रिस्क में दो तरह के रहते, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 मतलब सब अच्छा अच्छा लग रहा है लेकिन चीजें गलत है, ठीक है। टाइप 2 मतलब हमको गलत गलत लग रहा है लेकिन चीजें सही थी, ये एग्जैक्टली टाइप 2 है। टाइप 2 है हमको गलत, हमको कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव लग रहा है, हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन रियलिटी में चीजें एकदम सही है, रियलिटी में चीजें एकदम सही है, इट्स अ टाइप 2 एरर। ये टाइप 2 एरर है, ऐसे एरर की वजह से आदमी क्या करता है, कंट्रोल अच्छे लग रहे हैं बहुत चेकिंग करता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत चेकिंग करता है, बहुत चेकिंग करेगा लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है उसको, टाइम वेस्ट हो गया, उसको बोलते हैं ऑडिट की एफिशिएंसी पे इंपैक्ट पड़ता है। एक्स्ट्रा वर्क टू वेरीफाई इनिशियल कंक्लूजन वेयर इनकरेक्ट, ज्यादा ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मेरा थॉट प्रोसेस हिल गया, अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन दें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो ये बोलना चाहते हैं एरर के वजह से मुझे चीजें गलत लग रही है ऐसा, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है। अगेन, सो आई एम सो हैप्पी विद दिस क्वेश्चंस, दे आर लवली। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का भी अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा है। एक कंपनी है लिविंग वेल, लिविंग वेल मैन्युफैक्चर करती है फ्लोर, फ्लोर के कवरिंग एक्सपोर्ट, फ्लोर फ्लोर्स फ्लोरिंग का रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उसके कवरिंग्स बनाते हैं, पूरा लेबर इंटेंसिव काम है, मशीन्स लगती नहीं है, लगती नहीं है, पूरा बहुत ही कम लेबर इंटेंसिव काम है, कोई प्लान नहीं है दूसरे प्रोडक्ट लाने का। तो एक कंपनी है जो फ्लोर कवरिंग बनाती है, एक्सपोर्ट मारती है, पूरा लेबर इंटेंसिव काम है, मशीनें नहीं लगती है, कोई प्लान भी नहीं है कोई दूसरा प्रोडक्ट लाने का। एक और एक कंपनी है, एक है लिविंग वेल और माई लिविंग,
डायरेक्टर की और एक कंपनी माई लिविंग, माई लिविंग का काम है ब्लैंकेट्स बनाना और एकदम मशीनी मशीन, मशीन वाला काम है, पूरा का पूरा मशीन वाला है। तो दोनों कंपनी एग्जैक्टली अपोजिट है, अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, एक लेबर है, एक एक मशीनों पे चलती है। और सडनली एक चीज देखने को मिलती है, 1 करोड़ की मशीन बेची गई है लिविंग वेल को एट नॉर्मल मार्केट प्राइस, मार्केट रेट्स। बहुत अजीबोगरीब चीज है। जिस कंपनी को मशीन की जरूरत नहीं है वो मशीन खरीद रही है, बहुत अजीबोगरीब। ठीक है, अगर आप ऑडिट हो, ऑडिटर ऑफ माय लिविंग, नाउ लिसन, बेसिकली ये दोनों कंपनियों में एक डायरेक्टर कॉमन है और ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज बन चुकी है। डायरेक्टर कॉमन है, ये आपस में रिलेटेड पार्टीज बन चुकी है, और एक ऐसे कंपनी को माल बेचना, ठीक है, माल बेचना जिसको मशीन की जरूरत ही नहीं है, जिसको मशीन की जरूरत ही नहीं है, एक तो रिलेटेड पार्टीज है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, रिलेटेड पार्टी है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ऐसे 550 कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करके आए, ठीक है, अभी हम लोग ये डिस्कस करके आए थे। मेरे को अगर आपको शॉर्टकट भी याद है, एआईआर अकाउंटिंग ऑथराइजेशन देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा हमको कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, हमको कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है एआईआर अकाउंटिंग, रैशनल क्या है हम लोगों को देखना पड़ेगा, रैशनल एआईआर अकाउंटिंग क्या है हमको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम आप पूरी बात डिस्कस करोगे यहां पे, ऑथराइजेशन, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रैशनल भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और आखिरी में अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर प्रॉपर है ना, ठीक है, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर प्रॉपर है ना वो देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली उन्होंने यही बात की है। अगेन लवली, बहुत प्यारा इन्होंने केस बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा केस लग रहा है। तो यहां पे आपको कोई, उनका कहना है भैया कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, डज नॉट मैन्युफैक्चर ब्लैंकेट्स और ओल्ड मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी वो क्यों खरीद रहे पर्टिंग टू ब्लैंकेट, अ बिजनेस रैशनल अपीयर्स इनकंसिस्टेंट मे रिप्रेजेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, गड़बड़ होने के चांसेस है। सो इट वॉज अ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सो कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। ठीक है, बिजनेस रैशनल बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है, और लॉजिकल लग रहा है तो कुछ दाल में काला है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर बढ़ाओ और पूरी तहकीकात करो कि ये ट्रांजेक्शन है क्या। सो गाइज, लवली क्वेश्चन, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स इन एग्जाम्स, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा। नाउ ये अब क्वेश्चंस थोड़े रिपीटेड वाले हैं, लेकिन रिपीट मतलब पहले आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन है जहां पे बॉर्डर एरिया में कुछ गोडाउन है, और ठीक है, बॉर्डर एरिया के जो गोडाउन है वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्या करेंगे? तो 501 का रेफरेंस दो, इम्प्रैक्टिकल के बारे, आप यहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन जब हम अटेंड करते हैं तो हम क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वो पूरा बोलना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, आपको हाउ टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, अपना शॉर्टकट है उसका मोती रिकंसिलेशन वाली सारी बातें कि मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट चेक करना पड़ेगा, फिर आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स के अंदर की इन्वेंट्री और काउंट की इन्वेंट्री को, मोती रिकंसिलेशन शॉर्टकट था वो, पूरी बातें। इम्प्रैक्टिकल अगर है चीजों को देखना वो भी देखना पड़ेगा। केस का डिस्कशन, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अगर इम्प्रैक्टिकल लगे तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सबूत ना मिल पाए तो मॉडिफाई करो। बट इस बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन, बोलने के लिए केस स्टडी है लेकिन थ्योरी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, उसमें रियल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज था, रियल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यहां पे अब कंपनी है एक,
सेगमेंट इंफॉर्मेशन को कैसे चेक करेंगे, सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे, हम पूरा इसमें डिस्कस करके आए 501 में। पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है मेथड, सेगमेंटेशन का मेथड समझो, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ना समझो, उस मेथड को टेस्ट करो, फिर जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओ, हम उसमें ये भी डिस्कस करके आते हैं अंडरस्टैंडिंग में। इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन आप देखो, फिर अलोकेशन, एबीसी शॉर्टकट था, अलोकेशन ऑफ कॉमन एसेट्स, कॉमन कॉस्ट, बजट से कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी है क्या, आई होप यू आर रिकलेक्टिंग, ये पूरा हम पढ़ कर एज इट इज, वो बस थ्योरी क्वेश्चन है, इट्स अ कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन, कंक्लूजन में इतना ही लिखा है, जो डिस्कशन है उसके हिसाब से काम करो, बस दैट्स इट, बहुत आसान। देन हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बेसिकली एक चिंतन एंड मनी एक ऑडिट फर्म है जिसके दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर बोलता है लेट्स डू सैंपलिंग, पूरी 100% चिंग नहीं करते, चिंतन बोलता है कि क्या सैंपलिंग से काम होगा क्या, अगर सैंपलिंग से रीजनेबल बेसिस, अगर हमको रीजनेबल बेसिस हमारे पास में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट एविडेंस, अगर स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट एविडेंस अगर हमको नहीं मिला, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट एविडेंस अगर हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, रीजनेबल बेसिस, ठीक है, गाइडेंस रिक्वायर्ड, मुझे अच्छा लगा ये नया क्वेश्चन है, ऐसे 530 में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आखिरी स्टेप था इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे, अगर आपके प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है, मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है लेकिन टॉलरेबल से कम है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टॉलरेबल से कम, तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, वो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, सैंपलिंग इज नॉट गिविंग यू क्लियर कट आंसर, इट इज नॉट गिविंग यू रीजनेबल एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन, सैंपलिंग रिस्क इज वेरी हाई, दैट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स आर मोर देन टॉलरेबल, हम मैनेजमेंट को बुलाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को चेंज करेंगे, रीसैम्पलिंग करेंगे, बड़ा सैंपल लेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, तो बेसिकली दूसरे ऑडिटर का मतलब बेसिकली ये केस के अंदर जो बंदा बोल रहा है कि अगर नहीं मिला हमको रीजनेबल एविडेंस, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ऑडिट प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे, रीसैम्पलिंग करेंगे, सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, नेचर टाइम एक्सटेंट को बढ़ाएंगे, ज्यादा चेकिंग करेंगे, ज्यादा एविडेंस लेंगे ताकि हमको एक कॉन्फिडेंट रिजल्ट मिल पाए, एक रीजनेबल बेसिस मिल पाए, बट देन अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये थोड़ा केस आने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो गया होगा जो हम देख कर आए ऑलरेडी, ठीक है। नाउ ये पुराना क्वेश्चन है, नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट ट्रेड पेबल बैलेंस, निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी गई है, ओल्ड आउटस्टैंडिंग था 20 लाख का, बेसिकली एक कंपनी है उसका ऑडिट कर रहे, ओल्ड आउटस्टैंडिंग है 20 लाख रुपए का, ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 20 लाख रुपए का, ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, और उसके लिए निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज किया है, प्राइमा फेसी मेरे हिसाब से लॉजिकली इतने पुराने बैलेंस को निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज ही नहीं करना चाहिए था, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करना चाहिए, तो इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से गलत काम किया है, इन्होंने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना चाहिए और इन्होंने उससे भी एविडेंस ना है तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगानी चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर कैसे किया मैं बताता हूं आपको, इन्होंने पहले बताया व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब जब उसमें लिखा था डिसएग्री तो ही रिप्लाई करो, फिर ये लोग भर भर के बुराई कर रहे हैं नेगेटिव की, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का एविडेंस इतना भरोसेमंद नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता, हो सकता है सामने वाले को पहुंचा ही नहीं हो या फिर पहुंचने के बाद में उसने देखा ही नहीं हो, देखने के बाद में वो रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, दे आर नॉट रिप्लाइंग, तो सामने वाले की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आना, मतलब सब सही है ऐसा हम नहीं मान सकते, वी कैनॉट थिंक दैट वे कि सब सही है, ठीक है। और तो बोले मतलब बुराई कर रहे हैं यार, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से इतना प्यारा एविडेंस नहीं मिलता, इन्होंने नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज किया हुआ है, लेकिन नॉन रिस्पांस का ये भी मतलब नहीं होता कि चीजें गलत है, इनफैक्ट नॉन रिस्पांस का तो ये मतलब होता है चीजें सही है, तो ऑडिटर ने यूज तो कर लिया इसको लेकिन वो एविडेंस इतना रिलायबल नहीं है, ये सिचुएशन में ये नेगेटिव लगाना ही नहीं चाहिए था, तो फिर ये लोग बेसिकली बोल रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जो सिचुएशन अभी है सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, अब फर्दर एग्जामिनेशन करो, सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्स, सब्सिक्वेंट कैश कलेक्शन हुआ क्या, ठीक है, उसके साथ करस्पॉन्डेंस में थर्ड पार्टी कंफर्म कर रही है क्या, गुड्स उनके साथ लेन देन चल रहा है क्या, इट्स अ ट्रेड पेबल सब्सिक्वेंट उनको पेमेंट किया क्या, उनसे करस्पॉन्डेंस चल रहा है क्या, गुड्स उनसे आए थे क्या सही में,
सही में उनसे गुड्स आए, सही में उनसे उन्होंने उनको ऑर्डर प्लेस किया था ना, सही में गुड्स आए थे ना, सब्सिक्वेंट सही में उनको पेमेंट किया ना, बेसिकली ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाने को बोल रहे हैं। सो लेट्स कंक्लूड, आप नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में बताइए, उसकी भोर भर की बुराई करिए, ठीक है, और आप बोलिए कि अब उससे एविडेंस तो नहीं मिल रहा, रोके क्या फायदा है, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाइए। सब्सिक्वेंट आपने प्रूफ, यू शुड बी श्योर कि सही में उनको पहुंची थी ना चीजें, सही में ऑर्डर प्लेस किया था ना उनको, सही में गुड्स आए थे ना, सही में उनको बाद में सब्सिक्वेंटली पेमेंट हुआ ना, कहीं नकली क्रिएटर तो नहीं है, इसका क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, नकली क्रिएटर तो नहीं है, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फेक, लोग फेक परचेज दिखाते ताकि कंपनी से कैश निकाल सके और टैक्स बचा सके, ब्लैक मनी क्रिएशन भी होता है, कहीं ब्लैक मनी क्रिएशन तो नहीं है। सो गाइज दिस वर लवली, बहुत मजा, मेरे को तो यार क्यू एंड ए में कसम से बहुत ज्यादा मजा आता है, आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग इट, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन, बाय बाय गाइज।